हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बाइक का रिव्यू लेकर आ चुका हूँ, जिसका नाम है सुजुकी 110 SGD। 110 S सुजुकी, हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है कि सुजुकी का नया मॉडल पाकिस्तान में डिक्लेयर हो गया है 2022 मॉडल, जिसकी आप तस्वीर का आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके स्टिकर में उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग की है और इसकी फ्यूल टैंक को भी थोड़ा सा इन्होंने ऊपर इंक्रीज थोड़ा सा बड़ा किया है। इसके अंदर फ्यूल की एवरेज बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है, जो पिछले मॉडल में कमियां रह गई थी वो इन्होंने इस मॉडल के अंदर पूरी कर दी है। इसके शाफ्ट बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं और इसके कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे आए हैं इस बार पाकिस्तान। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं सुजुकी के कलर्स के बारे में कि कौन कौन से कलर्स पाकिस्तान में इस टाइम पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे कलर हैं, ब्लैक, ग्रे, ब्लू और रेड। सबसे पहले जो सुजुकी का फर्स्ट कलर है वो है जी ब्लैक, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। उसके बाद आता है रेड कलर और ये भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का लगता है नाइट व्यू के अंदर। और तीसरे नंबर पे ये जो हमारे सामने कलर आया है ये है जी ग्रे, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके अंदर स्टिकर भी बहुत ही ज़्यादा कमाल है और ये है जी फोर एंड लास्ट स्टिकर, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का लग रहा है। कलर देखने के बाद बात करते हैं इसकी साइड लुक के बारे में, इसकी बॉडी शेपिंग के बारे में कि इसकी बॉडी कैसी है। और इसकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा कमाल किया है इसके अंदर इन्होंने, ये जो इम्प्रूवमेंट किया है इन्होंने, ये चेंजिंग की है इन्होंने, टैंकी का साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लिया है, इसके टैंक को थोड़ा सा बड़ा किया है और इसके स्टिकर में भी थोड़ी बहुत चेंजिंग की है। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्टिकर इस बार इन्होंने सुजुकी वालों ने मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाया है। इसके स्टिकर का ये जो आप देख सकते हैं येलो कलर की फिनिशिंग है ब्लू कलर के अंदर, जो कि एन कट के साथ यहाँ पे टापे के साथ भी जुड़ी है। ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का स्टिकर है। राइट साइड के बाद बात करते हैं जी इसकी लेफ्ट साइड के बारे में। जैसे कि राइट साइड जैसा कि प्यारी थी इसकी बाइक की, तो लेफ्ट साइड भी इसकी सेम बिल्कुल वैसे ही लुक देती है। बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा शाइनी लुक है इस बाइक की, ब्लू की भी, ब्लैक की भी, और इसके आल कलर बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। जितनी खरीद की जाए उतनी कम है, लेकिन इन्होंने इसके साथ साथ सुजुकी की प्राइस को भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। पहला की जैसा कि आपको बताई थी 1,85,000 रुपये की थी बाइक, अब इसकी प्राइस इंक्रीज़ की गई है। वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि इसकी प्राइस अब किस टारगेट को टच कर रही है। अब बात करेंगे जी इसकी फ्रंट साइड की। फ्रंट साइड पर इन्होंने वैसे ही जो कि पिछले मॉडल में था इन्होंने मरगाड़ दिया है प्लास्टिक का, लेकिन इसका हार्ड प्लास्टिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसके ऊपर है जी हेडलाइट, हेडलाइट भी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और उसके ऊपर है सुजुकी का लोगो। इसकी शीट, इसके कवर लगे हुए हैं, तो साइड पर दो इंडिकेटर दिए गए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं। इसका मटेरियल बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और इसकी क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो अगर ये किसी चीज़ के अंदर टच भी हो जाए, किसी चीज़ के वो अंदर लग के मुड़ जाए, तो ये रबड़ के बने हुए हैं, ये वापस अपनी असली हालत में आ जाएंगे। तो बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से टच होने पर यही ये डैमेज होंगे, अदरवाइज़ नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा ये जो शाइनी कलर है ये है जी रेड। रेड की तो अपनी ही ग्रेस है, रेड बहुत ही ज़्यादा कमाल का कलर है और इसके ऊपर ये जो इन्होंने स्टिकर दिए हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, ब्लैक येलो की फिनिशिंग में। और इसके अंदर जी हमें देखने को मिल जाते हैं अलॉय रिम्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के बने हुए होते हैं। 2019 में भी अलॉय रिम थे, 2018 में आई गेस अलॉय रिम नहीं आए थे, तब तारें चलती थी तो वो भी अच्छी क्वालिटी की थी, लेकिन अब ये जो नया ट्रेंड आया है अलॉय रिम का, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसके साइड पे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके की इन्होंने स्टिकरिंग की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है।
अब बात करते हैं जी इसके टैंक के बारे में। टैंक का इन्होंने साइज थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है। ये पहले बराबर थी, लेवल थी बाइक, लेकिन अब इन्होंने साइज थोड़ा सा टैंकी का इंक्रीज किया है। तो इसके अंदर सारी बात है, जब इसके टैंकी का साइज इन्होंने इंक्रीज किया है तो इसके अंदर पेट्रोल भी ज़्यादा डलेगा। तकरीबन इसके अंदर 14 या 15 लीटर पेट्रोल आसानी से डल जाता है। और इसकी सीट्स बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं, लेदर की सीट हैं। और इसके पीछे कैरियर लगा हुआ है जिसके ऊपर आप 5 से 6 kg सामान आप कैरी करके लेके जा सकते हैं पिकनिक के लिए। और कोई भी आपने जो सामान आपने कैरी करना है आप उसको लेके जा सकते हैं। तो इसका सलेंसर, इसका सलेंसर की आवाज़ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं जी इसके बैक साइड के बारे में। बैक साइड पे जैसा कि आप देख सकते हैं, बैक साइड के ऊपर इसके पीछे बैक लाइट आ जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की इन्होंने दी हुई है। और 2019 मॉडल भी जैसा कि मैंने आपको दिखाया था उसके अंदर भी जैसा कि इंडिकेटर थे जिसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और इसके बैक साइड पे सारा प्लास्टिक का काम हुआ पड़ा है। और जो बैक साइड पर इसका मरकाट है वो है प्लास्टिक का। दरअसल वो प्लास्टिक इस तरह से है कि वो हार्ड प्लास्टिक है जिसकी लुक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है। और पीछे से बाइक और साइड वाइज बाइक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो आज की वीडियो मैंने आपको सुजुकी के 2022 के कलर्स का इंट्रोड्यूस करवाया है और बाइक का फुल रिव्यू आपके साथ साथ दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।